तो कान्हा जी का झूला बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्लेट और एक ये खाली टिफिन डब्बा है, ये घर पे पड़ा हुआ था तो मैंने इसी का यूज़ कर लिया है। तो हम हॉट ग्लू गन से इस तरीके से बॉटम का जो है लेयर बनाने के लिए मैं उसमें चिपका दूंगी इस तरीके से। ये देखिए मैंने चिपका दिया। उसके बाद ये मेरे पास में रखाया हुआ था, ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है तो मैंने सोचा गद्दे के लिए अच्छा रहेगा तो मैंने इसी का यूज़ कर लिया। ये घर पर ही पड़ा हुआ था ऐसे। उसके बाद हम एक फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक को इस तरीके से मैं ऊपर प्लेट की कोने कोने में इस तरीके से चिपका दूंगी ताकि एक गद्दे का शेप ले ले इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे चिपका दिया है सब चीज़ को। अब इसे मैं थोड़ा सा कट कर देती हूँ क्योंकि इतने कपड़े की हमको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और ये भी मैंने घर पे ही बनाया था गोल्डन कलर के फैब्रिक से, ये लेस मैंने बनाया था तो उसका टुकड़ा बचा हुआ है तो मैं उसे लगा देती हूँ यहाँ पे। इसे भी मैंने ग्लू गन से ये देखिए चिपका रहे हैं हम। आप भी ग्लू गन का यूज़ कीजिएगा क्योंकि अगर आप फैब्रिक ग्लू वगैरह करेंगे तो जल्दी से नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत जल्दी से काम आसानी से हो जाता है, इसलिए बेस्ट होता है ग्लू गन। और इस तरीके से हमने दोनों को एक साथ चिपका दिया है। मैंने यहाँ पे लिया है पिंक कलर का फैब्रिक, ये नेट का फैब्रिक है। इसमें हम स्टफल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैप दिया था, इसकी मैंने सिलाई की और इस तरीके से धागे को खींचते हुए मैं रफल बना दूंगी और उसे भी यहाँ पे हम इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे चिपका रहे हैं इसे। ये मेरे पास में कपड़ा इतना ही था इसलिए मैं पीछे का एरिया कवर नहीं कर पाई हूँ, बट आपके पास में कपड़ा होगा तो आप पीछे का एरिया भी कवर कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं ये धागे को छिपाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नग वाला ये लेस लगा देती हूँ ताकि यहाँ पे जो धागे का लाइनिंग है वो हट जाए। अब यहाँ पे हम झूला बनाने के लिए ले रहे हैं एक हेयर बैंड है ये मेरी बेटी का, तो मुझे यही दिखा तो मैंने यही ले लिया। इसे भी मैं पिंक कलर के लेस से इस तरीके से कवर कर लूँगी। इस तरीके से आप धीरे धीरे पूरा इसमें रैप कर दीजिए तो ये कवर हो जाएगा। ये देखिए कवर हो चुका है। अब इसे हम यहाँ पे इस तरीके से चिपका देंगे अगल बगल दोनों तरफ क्योंकि इसी से हमें झूला बनाना है। तो ये मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। अब हम यहाँ पे फ्लावर्स लगाएंगे, तो आपके पास में जो भी फ्लावर्स हैं, मेरे पास में छोटे बड़े दोनों थे तो मैं उन्हीं का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं दोनों तरफ चिपका दूंगी। आपके पास में अगर कोई भी सजाने का आइटम हो आप उसे भी लगा सकते हैं, मेरे पास में बस यही था तो मैं इन्हीं का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास में नहीं है तो आप फ्लावर खरीद लीजिए या बना लीजिए या फिर किसी और तरीके से मोर पंख वगैरह लगा के भी आप उसे बना सकते हैं। ये देखिए हमारा थोड़ा सा फाइनल लुक दिखा रही हूँ मैं कि इस तरीके से रेडी हुआ है। अभी अभी हमको झूला भी बनाना है इसके लिए, तो झूला बनाने के लिए हमने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। कार्डबोर्ड को मैं इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में कट करके उसे भी पिंक कलर के लेस से मैं पूरा कवर कर लूँगी आगे पीछे। ये देखिए यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है ग्लू गन से। अब मेरे पास में टैजल भी रखा हुआ है तो मैं चारों कोनों में इस तरीके से टैजल लगा दूंगी ताकि ये झूला और भी सुंदर लगे। अब हमको चाहिए यहाँ पे झूला को बांधने के लिए डोरी बनाना है, तो डोरी बनाने के लिए मैंने धागा और मोती का यूज़ किया हुआ है, तो आप अपने पसंद का कोई भी मोती यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ये मीडियम साइज़ के मोती है जो मैंने लिया हुआ है वाइट एंड गोल्डन का, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा धागा हम छोड़ देंगे ताकि ये यहाँ पे मैं बांध सकूँ। अब झुलाने के लिए मैं यहाँ पे भी एक गोल्डन कलर की डोरी लगा रही हूँ क्योंकि हमको झुलाना भी तो है कान्हा जी को, तो उनको झुलाने के लिए भी वहाँ पर डोरी चाहिए थी तो मैंने वो भी लगा दी है। अब हम झूले को यहाँ पर इस तरीके से बांध देंगे। बांधने के बाद मैंने थोड़ा सा ग्लू गन से उसको फिक्स कर दिया ताकि वो इधर उधर हिले ना, तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। ये देखिए बन चुका। मेरे पास में कौड़ी रखाई हुई थी तो फ्लावर्स ख़त्म हो गए थे, तो ये बची हुई जगह को कवर करने के लिए मैं कौड़ियों का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। इस तरीके से आप भी अपने दिमाग से कुछ भी जो भी आपके पास में आइटम होंगे आप उससे अपने कान्हा जी का झूला को सजा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी मैं लगा दे रही हूँ, ये गैप गैप है, और ये देखिए कान्हा जी का झूला बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरे पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।